अपने देश में आज जल्दी अपने बच्चों की पतन हो रही है। महाभारत रामायण की बात करें तो वो सोचते हैं, वो क्या है, सीता कौन है? सीता कोई नहीं जानती, तो सीता के संस्कार कब आएंगे आप में? तो इनसे बात करना भी बड़ी तकलीफ होती है। इंस्टेड ऑफ दैट, जो वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं, वहां तो इतना पतन नहीं हुआ है। ऐसे पूरा सिस्टम अलग है। ऐसे हम सब बुराई जो अपने देश की है वो भी रखते हैं, और दूसरे देश की बुराई भी है वो भी रखते हैं। अपने देश की खास बड़ी बुराई है लेजनेस। तो जो हम जो करते हैं, हमारी जो सोच है, अपने बच्चों पे पड़ेगी। जब बाप खुद धोएगा तो बच्चे भी सोचेंगे हम भी धो सकते हैं। नहीं, माँ ही करेगी। तो ये जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, औरत लोगों का, माँ लोगों का, बहन लोगों का, जब तक आदमी नहीं करेगा, ग्रैंडफादर नहीं करेगा, फादर नहीं करे, तब बच्चों पे कैसे आएगा असर? और मान भी नहीं रहेगा, आप जो कुछ भी बोलोगे बच्चों पे असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ही नहीं सुनते हैं अपने दिल की बात, वो भी जानते हैं। यदि आप ये सब कुछ चीज करते तो उनपे देखो कितना अच्छे संस्कार होते। हम सब सहज मार्गी हैं। सहज मार्गी का मतलब एटलीस्ट ध्यान तो करना है, सफाई भी करनी है, और अच्छी फैमिली जहाँ अच्छा माहौल है वहां भोजन भी साथ में करते हैं और भजन भी साथ में करते हैं। भजन का मतलब हमारे लिए सब ध्यान में करते, सब साथ में ध्यान करते हैं। आपने कभी भी सब फैमिली मेंबर सब साथ में उठ के ध्यान किया है? घर घर में सत्संग होना चाहिए, ग्रुप सत्संग। ग्रुप मीन्स सब फैमिली मेंबर्स मिलके सत्संग करना चाहिए, तब कुछ संस्कार बनेंगे। जी,